गृह मंत्री अमित शाह जी का भी भाषण हुआ, उत्साह भरा भाषण था। आदिवासियों को बड़ी उत्साह दिख रही थी, काफ़ी मात्रा में भीड़ थी चाईबासा में। ऐसा मालूम पड़ता हो कि आज ही 2024 आ गया है और कमल का फूल कल ही खिल जाएगा। सर, कितना उत्साह भरा भाषण था इस साइड से, एक साइड हो जाता है। मात्र एक साल बचा हुआ है ना भाई, बहुत दिन नहीं बचा हुआ है, एक साल। बड़ा उत्साह भरा भाषण था, कई योजनाओं का सर ने बखान किया, क्या लगता है? बखान नहीं किया, वो सच बताया जो हम लोग बार बार कह रहे थे कि भाई इस लूट की सरकार को हटानी है, तो आज उन्होंने खुद ही बताया सब। बीजेपी में कई कई कमी खामियां हैं, कैसे दूर होंगी, कैसे यहां पे कमल फूल खिलेगा? वो सब दूर हो जाएंगे, काम करते करते दूर होता है। अब चिंता मत करो, जो आदमी बैठा रहता है तभी सब दिखता है, लेकिन सब काम में लोग लग जाता है तो सब दूर हो जाएगा। बिलवा जी तो नहीं रहे, कौन चेहरा सामने आएगा? अरे समय पर सब बता दिया जाएगा। क्या मधुकोड़ा जी की आने, हमने कहा कि कई चर्चाएं बाजार में। अरे नहीं, आने होने की कोई ये सब चर्चा नहीं है, बेकार की सब बकवास बातें हैं तो लोग करते हैं। ये बाबूलाल मरांडी जी थे जो बता रहे थे कि फिलहाल मधुकोड़ा की आने की चर्चा नहीं है, ये सब बातें जो है वो माहौल बनाया जा रहा है। हालांकि एक बात साफ है कि आगामी दिनों में जो चुनाव की रूपरेखा तैयार होगी, आज के इस कार्यक्रम के बाद से वो बड़ी लकीर खींच के गए हैं। माना यह जा रहा है कि 24 में हो ना हो किसी बड़े चेहरा को यहाँ पर लाया जाएगा और 2024 का जो कमल फूल है लोकसभा सीट के रूप में यहाँ से खिलने वाली है। अपने सहयोगी नवीन प्रधान के साथ इंद्रजीत सिंह, समाचार प्लस, जमशेदपुर।